नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन ये है कि ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, एक होता है दोस्तों जनवरी में और एक होता है जुलाई में। तो ये जो फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, वो हैं जनवरी 2020 के। साल में ये दो ही बार होता है दोस्तों। इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ओ लेवल के कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि ओ लेवल के बारे में बताइए, क्योंकि आपको पता है कि ओ लेवल का जो डिप्लोमा है दोस्तों, वो कई गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसकी जो स्टार्ट डेट है, 1 जून स्टार्ट हो गई है और 15 जुलाई ही इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी ही अप्लाई करें दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को आप चाहें तो लाइक दबा के शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अंत में तो दबा ही देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ओ लेवल में कितने पेपर क्वालिफाई आपको करने होते हैं, उसका सिलेबस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने खोल रखा है इस समय ओ लेवल का सिलेबस। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 पेपर होते हैं, इन्हें आपको क्लियर करना होता है। सबसे पहली चीज़, ये ट्रिपल सी की तरह नहीं होता है दोस्तों कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही एग्ज़ाम होते हैं, मगर यहाँ पर ऑफलाइन परीक्षा होती है। मतलब एक इंस्टीट्यूट अगर हाँ एक चीज़ और है, ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं तो वहाँ पर तो आपकी फ़ीस तगड़ी जाती है। तगड़ी मतलब हो सकता है कि 20,000 ले लें, 15,000 ले लें, क्योंकि वो आपको पढ़ाते भी हैं। और जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर सेंटर पड़ेगा किसी स्कूल के अंदर, वहाँ पर जाके आपको करना होगा। और इसके अलावा दोस्तों, ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव के साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उन्हें आपको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और भाषा जो है इंग्लिश ही होगी दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर को आप हिंदी में लिखना तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो है इंग्लिश में ही लिखना होगा। अब मैं बता देता हूँ इनमें से कौन जो 4 पेपर आप देख रहे हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला पेपर दोस्तों होगा आपका IT टूल्स का, दूसरा होगा दोस्तों इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिज़ाइन, इसमें दोस्तों HTML आता है। फिर आता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। और फिर दोस्तों ये जो लास्ट के 3 आप पेपर देख रहे हैं, इसमें चॉइस होती है कि कोई भी चाहे तो आप चॉइस ले सकते हैं। तो ऊपर के जो 3 पेपर हैं ये तो कंपलसरी हैं। ठीक है, और इन 3 में भी दोस्तों जो आप देखेंगे कि ये वाला सबसे टफ़ माना जाता है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम रिजॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। ठीक है, तो सी लैंग्वेज वाला पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है। और बाकी जो आसान पेपर हैं जो कि आप निकाल सकते हैं, अगर आपने ट्रिपल सी निकाला है तो पहला वाला निकाल सकते हैं, एक तो IT टूल एंड बिजनेस सिस्टम, और जो सबसे लास्ट वाला आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ICT रिसोर्सेज, ये आप निकाल सकते हैं अगर आपने ट्रिपल सी वाला निकाला है। मगर इन दोनों के लिए दोस्तों आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बाद में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ठीक है, तो ओ लेवल इसीलिए कहा जाता है, थोड़ा सा टफ होता है। मगर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा भी लोअर PCS की वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसके अंदर जो दोस्तों एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि अधिशासी अधिकारी, उसमें दोस्तों ओ लेवल मांगा गया है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब भी आपको 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीफ्रेंस वो भरी है पहले या दूसरे नंबर पे भी, और अगर आपको मिलता है तो आपको ओ लेवल करना पड़ेगा। तो यानी कि आप अगर अभी से कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा जो आपका UPSC का ARO आता है, उसमें ARO के लिए दोस्तों मांगा जाता है ओ लेवल, तो वहाँ पर भी आपके काम करेगा। इसके अलावा UP पुलिस के अंदर दोस्तों जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, उसमें भी ओ लेवल मांगा जाता है। तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं, तो अगर आप ये अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये वाले 2 तो आप सेल्फ स्टडी से निकाल देंगे। ठीक है, और ये वाले जो 2 हैं इनके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि मैं बात करूं HTML वाला जो सेकंड वाला है और फिर सी वाला। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब पहले वीडियो बनाया था कि हमारे यहाँ एक टीचर हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे इन पेपर को निकालने के लिए, तो दोस्तों वो एक मैडम हैं जिनसे मैंने बात की है, जो कि MCA क्वालिफाइड हैं और उन्हें टीचिंग का काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो कि ओ लेवल करना चाहते हैं, ताकि मैं उनसे बात करूं और आप लोगों के लिए एक ओ लेवल के लिए बिल्कुल एक वीडियो फुटेज वाला एक पूरा कोर्स बनवा दूं। ठीक है, और अभी आप अप्लाई कर देंगे अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो लगभग 1 से 1.5 महीना, मतलब 1.5 महीने के अंदर वो पूरा कोर्स बना देंगे और फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कोर्स तैयार है और फिर आप लोगों को डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ओ लेवल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। और दोस्तों,
वैसे तो आप अगर अच्छी नॉलेज है तो आप, अगर आपने देखिए बीटेक कर रखा है, बीसीए कर रखा है या फिर बीएससी आईटी कर रखी है, तो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, जैसे मान लीजिए बीएससी कर रखा हो या फिर बीए कर रखा हो या फिर बीकॉम कर रखा हो, तो ओ लेवल की आवश्यकता दोस्तों उन्हें ही पड़ती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मगर दोस्तों आप लोगों को बताना ज़रूर है कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं हमारे चैनल पर जो कि ओ लेवल करना चाहते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कब से वो जो मैडम है हमारी एमसीए वाली, वो कब से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।